एग्जाम्पल 4.1, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड बी, एज शोन इन फिगर 4.3, व्हाट इज द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक वायर है, ये डायग्राम है, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उसकी लेंथ है स्मॉल एल, वेट एम जी, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जिससे कि वायर नीचे ना गिरे। वायर मिड एयर में सस्पेंडेड है इन अ वाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है, उसका डायरेक्शन पूछा नहीं है हमसे, तो फ्रीली सस्पेंडेड वायर अपनी वेट की वजह से नीचे गिरेगा। उसका वेट एम जी उसे डाउनवर्ड मोशन कराएगा, यानी नीचे गिराएगा नीचे। इसको गिरने से रोकने के लिए सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड हवा में, फ्रीली वो सस्पेंडेड रहे, इसके लिए इस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन एम जी के अपोजिट ऊपर होना चाहिए, जिससे एफ एम जी को कैंसिल कर देगा और ये वेटलेस कंडीशन में सस्पेंडेड बना रहे। तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? अपोजिट टू एम जी। तो यह फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू एम जी है व्हेन एफ इक्वल एम जी, तो ये वेटलेस कंडीशन में आ जाएगा। इस पर नेट फोर्स एफ माइनस एम जी बिकम जीरो, जीरो होने से ये फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा इन मिड एयर। तो फॉर्मूला यूज करते हैं एफ इक्वल एम जी, एफ बिल साइन थीटा, अभी हमने पढ़ा था, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ा। एफ इक्वल होता है विल साइन थीटा, वी आई एल साइन थीटा। यहाँ पर थीटा 90 है क्योंकि फील्ड हॉरिजेंटल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फील्ड इज हॉरिजेंटल, वी की वी डायरेक्शन ऑफ वी इज हॉरिजेंटल, और फोर्स लग रहा है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स किसी वायर को फ्रीली सस्पेंड करने के लिए, नीचे ना गिरे इसे रोकने के लिए, हमें उसे फोर्स लगाना होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, और फील्ड दिया हुआ है हॉरिजेंटल, और करंट जा रहा है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 90 डिग्री। एफ इक्वल विल साइन थीटा, यहाँ पर जो थीटा है वो एल और बी के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड बी और लेंथ एल, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। वायर की लेंथ एक्स एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस होगा और फोर्स जेड एक्सिस पर। तो इस तरह से बी और एल के बीच का जो एंगल आएगा वो 90 होगा, बी और एल के बीच का एंगल 90 रहेगा। यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन आई एल, एम 0.2, जी 9.8, आई 2 और एल 1.5। सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाता है 0.65 टेस्ला।